subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी सुपर कुकिंग शो में त सब खैरियत सां हूंदा। जेके रेसिपीज़ ठाहियूं पिया शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा थ्री मौजूदु आहे, बहितरीन बनस्पति घी, एनएक्स असां सां गॾु आहे, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, एनएक्स जो तमामु बेस्ट आहे जेको तव्हां वठी सघो था। जीअं त पूरो वीक असां प्रोग्राम कंदा अचूं पिया कि हिन में गेस्ट आहिनि, शेफ्स आहिनि, कुकिंग एक्सपर्ट्स अचनि पिया त पंहिंजी रेसिपी सां असां गॾु शेयर कनि पिया। अॼु बि असां सां गॾु गेस्ट आहिनि, तमामु बहितरीन रेसिपी सां गॾु बेकिंग आहिनि, जंहिंमें बिस्किट्स आहिनि डिफरेंट क़िस्म जा। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी आहे स्क्रीन ते, नंबर हलंदो आहे, कॉल बि करे सघो था। हुनजे अलावा वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, बेल आइकन दॿाइजो ऐं सब्सक्राइब कंदव त तव्हांखे लेटेस्ट अपडेट मिलंदियूं रहंदियूं। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए यू डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बेहतरीन बनस्पति घी, आप उसमें मिठाई बना सकते हैं, हलवे बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेस में हम खासकर पराठों में यूज़ करते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर है, माइक्रोवेव ओवन है, बेकिंग ओवन वगैरह सब आप यूज़ कर सकते हैं। एनएक्स का पूरा वीक हमने रखा हुआ है गेस्ट का, तो गेस्ट आ रहे हैं, उनमें शेफ़ भी हैं, कुकिंग एक्सपर्ट भी आ रही हैं, तो अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हैं। आज भी हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं जो बेकिंग में ही करेंगी और कुकीज़ बनाएंगी डिफरेंट किस्म के, और उनको वेलकम भी करेंगे किचन में। चलेंगे कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ एसएम, मेरा पेज है, वहाँ पर रेसिपी अपलोड हो जाती है फेसबुक पर, उसको लाइक करें और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करेंगे मेरे पेज को, और वहाँ पे आप जाएंगे कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर सकते हैं, या SinTV HD कुकिंग शो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकती हैं, तो आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। किचन में चलेंगे, सबीन हमारे साथ हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सबीन? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल। क्या बना रही हैं आज आप? शेफ, आज हम चॉकलेट चिप कुकी बना रहे हैं और एक शुगर फ्री कुकी बना रहे हैं। ठीक है, शुगर पेशेंट्स के लिए? जी, शुगर पेशेंट्स के लिए, जो जिन लोगों को शौक होता है मीठा खाने का मगर वो नहीं खा सकते शुगर की वजह से, बिल्कुल, तो उनके लिए ये कुकीज़ होती हैं जो मतलब उनके लिए इस तरह से कि उनकी शुगर हाई नहीं होती, उससे नॉर्मल रहती है और वो मीठा भी खा लेते हैं उसे। अच्छा, इसमें कोई स्पेशल पाउडर डलता है या कुछ? इसमें शेफ हम डालते हैं भुने हुए चने का पाउडर। ओके जी, उसे शुगर कंट्रोल, जी शुगर कंट्रोल रहती है, या इसमें डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं, शुगर पेशेंट्स नट्स वगैरह खा सकते हैं कुछ, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चने का पाउडर, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए खाने चाहिए? जी बिल्कुल खाने चाहिए, चने डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप भुने हुए चने जो होते हैं वो भी खा सकते हैं, या किसी भी चीज़ में उसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, उसको भी वेट लूज़ करने के लिए भी लोग खाते हैं। जी, वेट लूज़ करने के लिए भी खाते हैं, लंच नहीं करते तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल चने खाते हैं। ठीक है जी, सबीन क्या बना रहे हैं आज? शेफ, अभी हम चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मक्खन। अनसॉल्टेड है या सॉल्टेड? ये मर्जी, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड चाहिए तो सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉफ्ट करके, जी इसको सबसे पहले, 1 कप है जी, 1 कप है ये, इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, इसमें चलाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। जी, सॉफ्ट हो जाए ये। दूसरा, इसमें जो है ये लम्प वगैरह रह जाते हैं, हार्ड होता है कहीं से, तो ये सॉफ्ट करना होता है इसको। ठीक है, पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है, तो कब मक्खन आए, ठीक है, उनके सॉफ्ट कर दो, उनके बीच में विजिए बीट करवाना। चॉकलेट चिप कुकिंग कुकीज ठंड पे। ठीक है, अच्छा शेफ, इसके बाद हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, आइसिंग शुगर अगर ना हो तो पाउडर बना सकते हैं। हाँ, पाउडर बना लें, आइसिंग शुगर ना हो। कितना डाला है? ये 1 कप है, ये भी दोनों 1 कप जी, दोनों 1-1 कप है ये। इसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, ये भी 1 कप है। अच्छा, ब्राउन शुगर और गुड़ जो होता है पिसा, वो डिफरेंट है? वो डिफरेंट होता है जी, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गुड़ भी यूज करते हैं। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं आप जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना डाला था ब्राउन शुगर? 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप ब्राउन शुगर है, 1 कप नॉर्मल शुगर है, उसको अच्छा। पाउडर बना के आइसिंग शुगर वो आप डालेंगे, और 1 कप आपने इसमें डाला है बटर। ठीक है, बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस इतना हो के बस ये मिक्स हो जाए साथ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। ठीक है, 1 अदद अंडा। अच्छा, नॉर्मली जैसे लाइट्स का मसला आजकल है, बीटर यूज नहीं कर पाते हम लोग, तो उसको हम हाथ से भी कर सकते हैं या चमचे से करना चाहें, जैसे भी मिक्स कर सकें हम।
चॉकलेट चिप कुकी बन रहे हैं, ठीक है। एक कप इन्होंने बटर लिया है, एक कप इन्होंने शुगर पाउडर शुगर ली, आइसिंग शुगर या पाउडर बना के डालें, एक कप ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर नहीं तो आप गुड़ डाल सकते पिसा हुआ। और क्या डाला था आपने इसमें? इसमें ब्राउन शुगर डाला है हमने, एक कप शुगर आइसिंग शुगर डाली है, एक अंडा डाला है, एक अंडा। अच्छा शेफ, अब हम इसमें जो है मैदा, ये 2.5 कप मैदा है, ठीक है हमारे पास, ठीक है, इसको, कप मैदा। जी इसको छान के यूज करना है मैदे को, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे फिर अंदर। और इसी में हम बेकिंग सोडा, और मैंने इसमें एक पिंच सॉल्ट डाला है, अच्छा। क्योंकि सॉल्ट जो है इसमें वो शुगर के फ्लेवर को एनहांस करता है। अच्छा, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं या बेकिंग पाउडर डाल? बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। 2 कप मैदा, जी 2.5 कप मैदा, 2.5 कप मैदा, और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा है, ठीक है, और 1 पिंच आपने सॉल्ट, 1 पिंच सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। 2.5 कप मैदा है, आए हैं में बेकिंग सोडा भी दिया है, बेकिंग सोडा कितनी डाली? 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, सो 1 टेबलस्पून, 1 चाय चम्मच बेकिंग सोडा भी दिया, 1 चपटी में लून भी दिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे, आप हाथ से कर लें या स्पैचुला से कर लें, अच्छा, जैसे भी कर सकते हैं जी। वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा? नहीं, इसमें कुछ भी ऐसे डो बन जाएगी, कुछ भी नहीं जी, ठीक है। चॉकलेट चिप कुकी, जबरदस्त रेसिपीज हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। अब गेस्ट आते हैं शाम में, अपने लिए चाय के लिए आप बना के एयर टाइट जार में रख दें, बहुत ज़बरदस्त है। बेकिंग का शौक है आप कर सकते हैं। अच्छा, हम तो ओवन में करते हैं, पतीले में भी करते हैं जी। तो पतीले में भी बता दीजिए आपका क्या तरीकेकार है। पतीले में शेफ, हम लोग अक्सर लाइट का मसला होता है हमारे, बिल्कुल, तो वो बीटर एक तो नहीं चलते, दूसरा हमारे यहाँ ओवन गर्मी ज़्यादा होती है तो ओवन जलाना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, पतीले में बेक करते हैं। बिजली का बहुत मसला है, इलेक्ट्रिक ओवन्स यूज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो हम लोग फिर उसके लिए ये करते हैं कि पतीला लेके एक उसके अंदर, जैसे ये चूल्हे पे रखने वाली जाली होती है, जाली होती है, ठीक। बहुत सारे लोग उसमें नीचे नमक बिछाते हैं, कुछ पत्थर बिछाते हैं उसके नीचे छोटे छोटे लेके, हम जो बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं कि जाली लगा दी नीचे, बस उसको मीडियम आंच पे आप उसको प्री हीट कर लें, जैसे आप ओवन को करते हैं, चूल्हे पे रख के प्री हीट किया, उसके बाद आपने जो चीज अपनी बनानी है वो तैयार की और बस उसके अंदर। लेकिन ओवन का जो टेम्परेचर प्री हीट का, उसमें तो फर्क होता जी, है फर्क होता है शेफ, फर्क होता है, टाइमिंग का भी फर्क होता है थोड़ा। ओवन में आपकी चीज जल्दी बेक हो जाती है और उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है जी, लेकिन बनती बहुत अच्छी है और उसी तरह की बनती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम 1 कप जो है इसके साथ हम चॉकलेट चिप डाल देंगे, ये अगर मार्केट में मिल जाते हैं ये बने बनाए, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा यूज कर लो। आपने 1 कप डाला? जी मैंने 1 कप, क्योंकि बाज दफा लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं चॉकलेटी ज्यादा हो, तो वो लोग फिर जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, इसमें कोको पाउडर वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं शेफ, अगर आपको इसको चॉकलेट में बनाना है तो फिर आप इसमें कोको पाउडर यूज कर सकते हैं, वरना इसका अपना नेचुरल कलर है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज, मीन्स के कुकीज़ बन रही हैं, बेकिंग चल रही है, और ये आप लोगों ने ट्राई करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक है। गेस्ट आते हैं, आप खुद अपने हाथ से बना के सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि ओवन के ही इंतज़ार में रहेंगे, हमारे पास ओवन है, आप पतीले में बनाएं, बन जाती है हर चीज़। अच्छा शेफ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर जैसे बैटर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है तो इसको हम फिर वो एक शक्ल देने के लिए इसमें हम फिर मैदा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा जैसे अब मुझे ये लग रहा है कि मेरे थोड़ा सा स्टिकी है ये, ठीक है, तो मैं इसमें 1-2 चमचे मैदा और ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर तांके लगे ही सॉफ्ट थे पे डो तो उनमें 1 टेबलस्पून मैदा मिलाए सको तो उस बिल्कुल सेट थी विद। अच्छा, फ्रिज में रखने का वो नहीं है आप शेफ? फ्रिज में, असल में फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो रख सकते हैं इसको फ्रिज में सेट करने के लिए, 10-15 मिनट हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको रख सकें नहीं फ्रिज में, इसीलिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो ऑन एयर जा रहे हैं तो आप लाइव में 10-15 मिनट सेट करने के लिए रख लें जी। ट्रे दूं बेकिंग? अच्छा, मैं अब शायद हाथ से काम करूंगी, नहीं नहीं हाथ से करें, इसलिए क्योंकि ये अब करता हूं, ये होता है बहुत से लोग, मुझे ये होता है कि मैं भी ऑन एयर कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या सोचें, ग्लव्स हैंड वॉश करें, अपना आराम से सफाई से काम करें घर में, असल में घरों में हम लोग जो है वो हाथ से ही सारा काम कर रहे होते हैं, तो वो आदत भी होता है कि आपको ग्लव्स हो ये वो करनी चाहिए, केयर, नेल्स पड़े हुए ना हो, क्लीन हो हाथ, तो हाथ से करें वॉश करके, कोई इशू थोड़ी है, हाथ से वो अच्छे भी बन जाते हैं, बिल्कुल।
अच्छा अब इनके हमने शेफ बॉल्स बनाने हैं। ठीक है। अच्छा ये रफली सी होगी डो बिल्कुल? हाँ ये रफ होती है, बिल्कुल रफ होगी, क्योंकि ये जब इसको हम ओवन में डालते हैं तो ये थोड़ी सी जो है मेल्ट करती है ये, बिकॉज इसमें बटर होता है तो ये मेल्ट कर जाती है, बिल्कुल एकदम वो फैल जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा शेफ ऑयल मिलेगा मुझे? जी बिल्कुल। अच्छा इस पे आपने ग्रीस करना है? नहीं ग्रीस नहीं करना है इसको, इस पे आप एक बटर पेपर लगा दें, अगर बटर पेपर मौजूद है तो बटर पेपर लगा लें, और अगर बटर पेपर हमारे पास नहीं है तो फिर हम सिंपल ऑयल से ग्रीस कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरह कुकीज़ के बॉल्स बना के जिस तरह रखते जा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आपने रफली से बना के रखने हैं। ठीक है, डिसो पे हिंदी तरीके से ही ठान था। मैदा चाहिए होगा थोड़ा, क्योंकि ये डो जो है ये चिपकती है हाथों में ना, उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर बटर होता है, और बटर जो है वो जब आप हम इसको मशीन में चला रहे होते हैं बीटर पे तो ये मटर ये बटर जो है मेल्ट करता है तो वो बिल्कुल स्टिकी कर देता है इसको। ठीक है, इस तरह आपने बनाने हैं, और इसको फिर बेकिंग टाइम क्या देंगे आप इसे? शेफ इसको 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 पे मैंने सेट किया हुआ। के प्रीहीट किया हुआ ओवन को 180 पे इस तरह आपने बना के और उसको सेट कर, थोड़ा सा सिर्फ इसको ऊपर से प्रेस कर दे ताकि इसकी शेप आ जाए ना। साइज आप छोटे बड़े खुद कर, हाँ ये डिपेंड करता है आप छोटे साइज में बनाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, वैसे तो इसका साइज वैसे ही बड़ा होता है, थोड़ा हैवी होते हैं ये, थोड़े से हैवी होते हैं थोड़े से बड़े साइज में होते हैं। इसके अलावा आप कहीं कर रही हैं बेकिंग का या? शेफ मैं घर से काम करती हूँ अपना, मेरा है बेकिंग का पेज है पूरा फेसबुक पे। ठीक है, और मैं जो है ऑनलाइन काम करती हूँ ऑर्डर्स पे। जी ऑर्डर्स पे, ऑनलाइन ऑर्डर्स पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, कितने साल से कर रही हैं? शेफ मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल? जी बिल्कुल। ठीक है, और कुकिंग में क्या ज़्यादा घर में लाइक करते हैं, क्या बनाती हैं आप? शेफ हमारे यहाँ बिरयानी बहुत पसंद की जाती है कराची में, आपको पता है यहाँ पे बिरयानी बहुत शौक से खाई जाती है, पाए निहारी ये चीज़ें बड़े शौक से खाई जाती हैं। अच्छा। और अभी तो वैसे भी बकरीद ख़त्म हुई है तो उसके बाद तो यही सब चीज़ें होती चल रही है, निहारी पाए यही चीज़ें चलती हैं। ठीक है शेफ, इसको हम रख देंगे अब बेकिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, रख दो इसे? जी ये इसको रख दीजिएगा, ये 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे सेंटर में। मैं रख रहा हूँ इसे 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, ओवन के सेंटर में हमने इसे डाल दिया। ठीक है, ये हमारे ओवन में चले गए बेक होने के लिए, और हम जाएंगे एक ब्रेक पे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं जब तक सेकंड कुकीज बनेंगे, शुगर फ्री कुकीज बनेंगे। ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट ठंडा है, शॉर्ट ब्रेक कट होता है, ब्रेकअप होती कंटिन्यू। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए इंडिका भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, आज मज़ेदार रेसिपी टाइप है जिसमें सर कुकीज टाइम पर गैस ट्रेनर सरसागत सबीन। सबीन अब हम सेकंड रेसिपी पे आएंगे, ये हो गए थे ना इसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, कुकीज़ हमारे हो गए डन, चॉकलेट चिप ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हेरिसो चॉकलेट चिप कुकी ये डन हो गए, और अब सेकेंड हम क्या बनाएंगे शेफ? अब हम बना रहे हैं शुगर फ्री कुकीज़। ठीक है, इसके लिए आजकल जो है ये डाइट के हिसाब से भी लेडीज यूज करती हैं, जो चीनी नहीं खाते हैं लोग, और जो डायबिटिक्स लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। जी सबीन, अब क्या करेंगे? शेफ इसमें 1 कप हमने बटर लिया है, बटर है। को हम सॉफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ये शुगर फ्री कुकी बन रहा है। जी ये शुगर फ्री कुकी, शुगर फ्री बिस्किट ठान पिया, वनीला 1 कप मक्खन खाया हुआ है, 1 कप बटर लिया, अच्छा इसमें अब हम जो है शुगर फ्री पाउडर यूज करेंगे। कितना? ठीक है, ये हमने शुगर फ्री पाउडर क्या
मतलब कि शेफ ये मार्केट में मिल जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के, ठीक है, साशेज भी मिलते हैं, इसके टैबलेट्स मिलते हैं, अगर टैबलेट्स अच्छा, हो तो आप मिल जी टैबलेट्स हो तो टैबलेट्स को पीस के बना लें, और अगर टैबलेट्स नहीं हो तो ये पाउडर भी बने बनाए। कितना डलेगा इसमें? ये 5 टीस्पून डलेगा, ये 5 टीस्पून, एक कप शुगर फ्री पाउडर जी, एक कप बटर में ये 5 टीस्पून हम यूज करेंगे इसके। अभी तक जस्ट आपने यही डाला जी, बस अभी से एक कप मक्खन है उनके बीट कर उनका पो 5 चाय जो चमचा शुगर फ्री पाउडर मिलंदो और जो टैबलेट भी मिलंदा वो पीछे भी विझी कर दूंगा, ठीक है। एक अंडा जाएगा, एक अंडा यूज करेंगे इसमें, एक अदद भेजो विंडो इनमें, एक अदद अंडा चला गया, ठीक है, एक अदद एक कप मक्खन हो आई हुन में शुगर फ्री पाउडर 5 चाय जा चमचा एक अदद भेजो विंडो मिक्स करो। इसको इतना बीट करना है कि अंडा बिल्कुल मिक्सअप हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी वो अपने और से देखना है, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे एक कप भुने हुए चने का पाउडर, ये हमने चने लेके इसको पाउडर बना लिया, बना बनाया भी मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें बना बनाया नहीं मिल रहा तो हम भुने हुए चने लेके जी जी वगैरह के लिए जैसे मिलते हैं वो यूज कर सकते हैं इसमें ना। भुगड़न जो पाउडर मिली विंदो ठाई वट जो बगैर छिलके जे तो वो एक कप विदो है, ठीक है, एक कप चने का पाउडर चला गया, ठीक मिल जाता है इजीली, वरना चने छील के आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। छन्नी थी ना, अच्छा इसमें अब मैदा लेंगे हम, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट इसी में ऐड किया हुआ है। मैदा कितना है? मैदा ये 2.5 कप मैदा है, 2.5 कप मैदे में एक पिंच ऑफ सॉल्ट जो है, ठीक है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट और एक टीस्पून सोडा है, बेकिंग सोडा जी, ठीक है, 1 टीस्पून एक चाय जो चमचो बेकिंग सोडा है, 2.5 कप मैदा है जी, 2.5 कप मैदो है, आई एक पिंच लून है, ठीक है, ठीक है, इसको शायद थोड़ा छान के डाल के मिक्स करेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा, पूरा एक साथ नहीं क्योंकि, ठीक है, अच्छी तरह छान के ये बन रहे शुगर फ्री बिस्किट्स कुकीज। ये कितनी देर बेक होगा? ये भी 20 मिनट लगेंगे इसको भी, ठीक है। अच्छा जैसे नॉर्मली घर में हम जब बनाएंगे तो हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, मतलब फ्रिज में रख दें या थोड़ी देर के लिए फ्रीज अच्छा, में, इसकी डो फ्रीजर में रख दें इसको, डो को है। इसकी ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए, ठीक है, ठीक है, फ्रिज में रखना है आपने थोड़ी देर के लिए ताकि सेट हो जाए इसकी डो अच्छी तरह, और इसको आप पतीले में बना सकते हैं, ठीक है, पतीले का तरीका आपको पता है बता दिया, बड़ा पतीला लें उसमें स्टैंड जो होते हैं जो हम चूल्हे के ऊपर या पतीली रख गरम उसके ऊपर तार के रखते हैं वो रख दें, उसके ऊपर वो प्लेटर जो भी रखना है उसके ऊपर कुकीज़ बना के वो करें, ठीक है, पतीले में ठाई सको था वो पतीलो खड़ो उनमें स्टैंड रखो अंदर मथा प्लेट स्टील जी हुए या रिको उनके मथा बिस्किट्स ठाई थोड़ा थोड़ा करे रखना उन्हों वहीं मथे ढक दे उनके मीडियम फ्लेम ते तां बेक कंदा बिल्कुल बिस्किट ठाईंदा थोड़े टाइम लगंदो लेकिन जबरदस्त ठही वेंदा। अच्छा इसकी डो जो है थोड़ी हम टाइट रखेंगे, स्टिकी नहीं रखेंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये हम बेलेंगे और फिर इसको कटर से कटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा इसका एक ही स्टैंडर्ड साइज होगा कटर से, ठीक है। डिफरेंट कटर्स आते हैं, आप चाहें तो छोटे बड़े साइज के डिफरेंट शेप्स के कटर आते हैं वो ले सकते हैं, जिस शेप में भी आप बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं। 2.5 कप मैदा है थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि डो अच्छी बने, हार्ड बने थोड़ी, और इसकी डो हार्ड बनानी है जी। और वो जो चने का पाउडर क्या वो भी हार्ड कर देता है ना? हाँ जी वो थोड़ा सा वो भी इसको कर देगा। इसके बाद फिर एक और बिस्किट है वो कौन से है? वो नट्स बिस्किट है। अच्छा नॉर्मल है, नॉर्मल नट्स बिस्किट, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जैसे जी, ड्राई फ्रूट बिस्किट्स होते हैं जो। इसके बाद एक बिस्किट और बनेंगे, ठीक है, एक बिस्किट इनका वो बियो ठाइंदो ड्राई फ्रूट जा हो भी डाटा जबरदस्त है ताने सिटो। ये बिल्कुल इसकी डो सख्त बना रही है, उसके बाद इसकी डो इस तरह होगी कि ये सारी एक साथ मिक्स हो जाए बस, ठीक है। ज़बरदस्त रेसिपीज़ बन रही हैं आपके लिए, सबीन हमारे साथ हैं, बेकिंग एक्सपर्ट हैं, अपना भी बिज़नेस कर रही हैं ऑनलाइन और यहाँ पे आई हैं हमारे साथ रेसिपी शेयर कर रही हैं कुकीज़ की, तो ये आप लोग नोट कीजिएगा, कल 12 बजे रिपीट भी चलेगा ये प्रोग्राम,
ठीक है। और कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, उसको लाइक करें, वह रेसिपी अपलोड हो जाएगी। और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी एचडी कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, और ये कुकीज़ ज़रूर आपने ट्राई करना है ईजी वे में। अगर ओवन नहीं है, लाइट का इशू है, तो आप पतीले में बना सकते हैं। बच्चों के लिए ख़ुद बनाया करें, बाहर से ख़रीदते हैं तो आप ख़ुद बनाएँ साफ़ सुथरी चीज़ अपने हाथ से। अच्छा शेफ, ये इस तरह से बन जाएगी? ठीक है, पूरी। ठीक है, अच्छा इसको सेट करने के लिए फ्रीजर में 10 से 15 मिनट अगर रख दें? बिल्कुल। तो और लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली बेलेंगे फिर। बिल्कुल, ठीक है, ये मुझे। ठीक है, अब इसको हमने 10 मिनट रखना है कवर करके, लेकिन आपके पास टाइम, हमारे पास इतना नहीं होता, हम ऑन एयर जा रहे हैं, तो इस वजह से इसके डायरेक्ट हम बनाएंगे। अच्छा, इसको जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसको हमने? शेफ, अब हम इसमें बटर पेपर लेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर मार्बल के नीचे स्पेस हो ना आपके पास, स्लैब हो, तो उसमें आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, इसको रखते, लेकिन हमारे पास अभी ये लकड़ी का है नीचे, तो इसको हम बटर पेपर पे रख के बेलेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये चिपके नहीं नीचे और इजीली जो है कुकीज की शेप निकल जाए। अच्छा, ये डिफरेंट साइज के कटर्स होते हैं। ठीक है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ये हर टाइप के, और बहुत सारी शेप्स इसके अंदर आती हैं, तो है। जो शेप बनाना चाहें वो आप कटर लेके यूज कर सकते हैं, उसका बना सकते हैं उस शेप की कुकीज। ठीक है, ठीक है, हाँ, पे बटर पेपर लगाई है जी, डो ठाई हुई उनके, ताकि चिपके ना, तो टॉप होता है किचन जा मार्बल जा, तो मतलब इजीली थी, उन्हें भी साफ करेंगे। अब ये क्या करेंगे? ठीक है, अब इसको हमने डबल कर लिया ताकि ऊपर से ये बेलन पे नहीं चिपकेगा। ठीक है, बेलन। अब हम इसको हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे, ये फैलाएंगे इसको, फैलाते जाएंगे जी हल्के हाथ से। थिकनेस कितनी रखनी है इसकी? थिकनेस इसकी होती है हाफ इंच, बहुत होती है हाफ इंच। अगर मोटी कुकीज बनानी है तो आप उसको मोटा बेल लें, वो डिपेंड करता है जी, वो ज्यादा फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके हम देखें, चिपका नहीं, बिल्कुल चिपकेगा नहीं, ये बिल्कुल इजीली निकलेगा। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो भी ये बहुत इजीली आउट होगा। देखिए काफी सारे बन जाएंगे जी। हम पहले इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उठाएंगे तो फिर ये टूटेंगे। ठीक है, आराम से इनके खड़ी वट जो डायरेक्ट ना ऊपर जो टूटन ना, खूबसूरत सा नन रहना बिस्किट्स टाइप है। अच्छा, अब इसमें हम ऊपर नट्स पहले डाल लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स डाल लें थोड़े थोड़े, मिक्स ड्राई फ्रूट है जी, मिक्स है ये। ये हमने थोड़े थोड़े डाल, मिक्स ड्राई फ्रूट नहीं तो आप बादाम डाल सकते हैं जी, जो भी जो चीज भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चॉप करके इस तरह हाथ से इसको। अच्छा, अब इसमें जो है वो थोड़ा हमें बीच में से अब एक डिफरेंट वो देना है इसमें, थोड़ा सा हमने जी इसमें हम इस तरह से ये निकाल, राउंड निकाल दें इसका सेंटर। ठीक है, और हम इसको इस पे लगा देंगे। सही, जबरदस्त। ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, जब ये बनेगा बिस्किट बहुत ही खूबसूरत लगेगा रिंग स्टाइल में इस तरह से। और ड्राई फ्रूट जब डालें या चॉकलेट चिप, हल्का सा उसको टच किया करें, ताकि ऊपर से प्रेस करने से वो सेट हो जाता है इसमें। जितनी डो आपने बनाई है इस क्वांटिटी में, हमें काफ़ी सारे बन जाएंगे जी। ये अगर कम बनाने हैं तो रेसिपी को इसका भी हाफ कर लें। अच्छा, जो रेसिपी मैंने बताई है फ्रिज में रख सकते हैं जी। जी, ये डो आप फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रीज कर दें, और जब बनाना हो जैसे शाम में अगर बनाना है तो दिन में। आप निकाल कितनी देर पहले निकालें? शेफ, ये तो पत्थर बन जाती है क्योंकि इसके अंदर मक्खन होता है ना, तो ये तो जो है वो बिल्कुल पत्थर बन जाती है। अब जैसे आपको शाम को बनाना है तो आप इसको दिन में निकाल के रख दें बाहर। ठीक है, तो ये शाम तक जो है ये सेट हो जाती है जी। दोबारा उसको हाथ से जी जी दोबारा इसको हाथ से अच्छी तरह गूंद के, और फिर उसके बाद आप यूज कर लें इसको। ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट्स बन रहे हैं मजेदार ड्राई फ्रूट के साथ। ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट ठंड पे ड्राई फ्रूट्स अगर जरूर ट्राई कर जो मुझे फीडबैक दीजो। की अगेन बटर पेपर रख के जी दोबारा से उसी तरह बस वो साइड से उठाते जाए, काफ़ी सारी निकलती जाएगी दोबारा उसको करके। और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा इसका, डिफरेंट जी, इसका फ्लेवर डिफरेंट होगा ना, ये बहुत ज़्यादा मीठी होगी ना फीकी होगी। अगर शुगर फ्री पाउडर नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं शेफ? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई गुड़ यूज़ करता है थोड़ा। अच्छा,
कोई ग्लूकोज यूज करता है, मगर मेरे हिसाब से डायबिटिक्स वालों के लिए ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है कि अगर यही पाउडर यूज, पाउडर मिल जाता है इजीली, पाउडर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, बहुत सारे बना के भी रख सकते हैं ये आप भर के बॉक्स में, जब दिल कर रहा आप निकाल के खा लिया। और ये तकरीबन आप इस डो को महीना फ्रीज करके रख सकते हैं अपने पास, ये खराब नहीं होती। और अभी तो हमने हाफ ही यूज किए ना, हाफ में काफी सारे बन रहे हैं, ये हाफ से भी हाफ है ये। पतीला बड़ा ले लें अगर ज्यादा बनाने, तो बड़े पतीले भी होते हैं घर में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बड़ा पतीला लेके उसके अंदर पिज्जा ट्रेज होती है ना, जैसे राउंड ट्रेज, उसके अंदर आप ऑयल लगा के आराम से 10-12 पीस आ जाएंगे जी, आराम से आते हैं उसमें। नहीं ये वाले तो ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं, और जैसे हमने वो चॉकलेट चिप कुकी बनाई है वो 6 पीस आपके आराम से आ जाएंगे उसमें, क्योंकि वो फैलती है बनने के बाद। एक दफा बनाएं दोबारा वो निकाल लें फिर दोबारा बनाएं, इस तरह 2-4 घंटों में आपके सारे बन जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हो गया सर। इसको ठीक है डाल दें, इसको ओवन में कितनी देर के लिए रखना है? ये 20 मिनट के लिए बहुत है बस। ठीक है, सेंटर में रख रहा हूँ, इसको चेक करते रहेंगे। ठीक है जी, इसकी डो सेम ही है? नहीं इसकी डो डिफरेंट है जी, इसकी डो डिफरेंट। अच्छा, इसकी ये डो बना के आप रख दें फ्रीजर में, फिर जितना आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ब्रेक पे चलते हैं, जब तक वो हमारे बेक हो जाएंगे, ब्रेक के बाद आके हम थर्ड कुकी बनाएंगे जो ड्राई फ्रूट कुकी में रहेगा। ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक कर, तो ब्रेकअप अच्छी रेसिपी कंटिन्यू कर। चाहे और क्या, शारजा शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूदा बेहतरीन कुकीज इतने तैयार थी जो मां कड्डी खड़ी आवा। ठीक है, कुकीज हमारे तैयार हो गए थे, ये निकाल के रखे हैं ब्रेक के दौरान, ये बैक हो गए थे यहाँ पे निकाल के रखे हैं, और घर से आप बना के लाए हैं क्योंकि गर्म होते हैं फौरन हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये घर से बना के लाई हुई है, सेम कुकीज हैं, लीटर में रखे हुए आप देख सकते हैं इस तरह के होंगे। ठीक है, और ये अब ठंडे होंगे तो हम निकालेंगे, इसको मैं रख देता हूँ, आप दो बनाना शुरू करें। ठीक है, इसे मैं रखता हूँ टेबल पे, और जब तक हमारी डो बन रही है, कौन से बिस्किट बनाएंगे आप? अच्छा शेफ, ये ड्राई फ्रूट कुकीज हैं, ड्राई फ्रूट, इसकी रेसिपी जो है वो बाकी दोनों चीज़ों की रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने वही एक मक्खन लेना है 1 कप। ठीक है, ठीक है, अगर कम बनानी है डो तो आप इसको हाफ ड्राई कर लो। बिस्किट हैं, कुकीज बन रहे हैं, इसके लिए 1 कप मक्खन, सिर्फ थोड़ा इसमें चेंजिंग होगी। इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 कप बटर लिया अगेन, कप ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत मजे के बनेंगे, स्वीट है। शुगर फ्री कुकी बहुत ही मजे का है, मैंने भी खा के देखा, बिल्कुल डिफरेंट इसका फ्लेवर है, आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, एक अंडा, क्या क्या किया इसमें? इसमें अभी हमने बटर डाला है, और अभी हमने इसमें 1 कप आइसिंग शुगर डाली है, और अब 1 अंडा डाल रहे हैं इसके अंदर। 1 कप बटर, 1 कप आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी और 1 अदद अंडा। पहले मक्खन के बीच गए और खंड विधि बीच गई पाउडर में, उनका पो 1 अदद अंडो विधि आने बीच कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें आ जाएगा 5 टीस्पून आपके आएंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर जी,
कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें। 5 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर चला गया, ठीक है। अच्छा, 5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 5 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे टीस्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंट फ्लेवर आएगा। 5 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर जी, 5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर जी। अच्छा, और 5 टीस्पून इसमें ये मिल्क पाउडर डालें, ठीक है। डिफरेंट है रेसिपी जी। 5 चाय जा चम्मच खुश खीर, 5 चाय जा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 5 चाय जा चम्मच इनमें वयो है, क्या था एक और, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड पाउडर जी। इसको बीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे छान के उसी तरह से, ठीक है। कितना मैदा जाएगा निकाल लेते हैं। ये भी वही मैदा, इसमें वही 2.5 कप है, लेकिन ये अगर ज्यादा स्टिकी होता है तो फिर इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा और मैदा, क्योंकि ये भी स्टिफ डो बनेगी, ये भी स्टिकी नहीं होगी, ठीक है। और उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे मैदा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इसको हाथ से, मैदा 2.5 कप है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं ताकि डो इसकी हार्ड बने, अच्छी बने। प्रोफेशनल तरीके से बना रही हैं, जब प्रोफेशनल तरीके से इंसान काम करता है ना, इसी तरह स्पीड में बिल्कुल उसी तरह काम कर रही हैं। आप तो करती भी हैं, आपको तो हाथ स्पीड में चल रहा है, वरना तो डर डर के स्पून से। पूरा जाएगा 2.5 कप? 2.5 कप पूरा जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो फिर वो भी हमें लेना पड़ेगा इसमें। सही है, अगर आपको सॉफ्ट लगा जी, अगर सॉफ्ट लगेगा तो फिर इसको 10 मिनट फ्रिज में रखना पड़ेगा। हाँ, ये सबको 10 मिनट आप फ्रिज में रख दें बस, ताकि ये बटर जो इसके अंदर होता है वो सेट हो जाए। क्या कहने, ढाई कप पूरा मैदा चला गया, ठीक है। ड्राई में और जरूरत पड़ेगी नहीं हमें इसमें, नहीं पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है अभी, तो पड़ेगी, मैं देख लेती हूँ। अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है ताकि अच्छी सी डो, जैसे आटे की सख्त बूंदा हुआ आटा होता है, इस तरह की डो बन जाएगी। थोड़ा सा मुझे आप चेक मैदा जरा से निकाल के देंगे तो। थैंक यू। कितना चाहिए होगा? 4-5 चम्मच टीस्पून काफ़ी होंगे एक्स्ट्रा। ये असल में बेसिकली अपने अंदाजे से देखना होता है हम लोगों ने, हाँ जी, कि जितनी हमें चाहिए। 5 टेबल स्पून जितना जी जी बस काफ़ी होगा। थैंक यू। आप देखेंगे अपने नीड जितनी होगी आप उस हिसाब से देंगे। हो गया इसमें? और तो नहीं चाहिए? नहीं, और जरूरत नहीं, बस ये इसी में हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको भी 10 मिनट रखना पड़ेगा जी, इसको भी 10 मिनट फ्रिज में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से इसकी जी कुकी कटर से कटिंग होगी, और उसी तरह इसको हम बॉल बना के पहले अलग कर लेंगे, जितना हमें चाहिए यूज करने के लिए हम अभी फिलहाल उतना ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी फिर कंटिन्यू चल रहा ओवन, क्योंकि बिस्किट्स बनते जा रहे हैं, तो आप इसी तरह ओवन को प्री हीट करके रखें। अच्छा, जितना प्री हीट रहेगा उतना अच्छा बनेगा। अच्छा, इसको भी हम उसी तरह से बेलेंगे जिस तरह से हमने शुगर फ्री कुकीज़ को बेला था, ठीक है। सेंटर में रख के, ठीक है।
टाइम बताइएगा कितना है हमारे पास। अच्छा, इनको अपने हिसाब से आप पतला या थिक रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा, अगर जैसे ये बेसिकली प्लेन होती है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम लोग कभी स्प्रिंकल भी डालते हैं, चॉकलेट से। अच्छा, डिफरेंट आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टॉपिंग। हाँ, क्योंकि ये जैसे प्लेन कुकीज होती है ना, ये उस टाइप की कुकीज। ठीक है, शेप भी इनको आप कोई भी शेप, स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई भी शेप। अभी आप स्क्वायर में दे रहे हैं, अभी स्क्वायर में दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर शेप देना है। ठीक है, चकोर शेप, गोल शेप, जेको तांके राउंड शेप सुठो लगे वो तां ॾेई सघो था। ड्राई फ्रूट कुकीज, ठीक है, और कल ये 12 बजे रिपीट भी चलेगा, तो आप देख सकते हैं रिपीट में कोई चीज समझ ना आ रही हो तो। ठीक है, इसमें भी हम ड्राई फ्रूट्स ऊपर के सेट कर देंगे। ठीक है, आपका पेज क्या है, किस नाम से? मेरा पेज कॉफी बीन्स, कॉफी बेकिंग बाय सबीन। जी, बेकिंग बाय सबीन। जी, अच्छा, अब हमने ये कुकीज बना लिए, तो अब इसको क्या करेंगे? अच्छा, शायद ये कुकीज रेडी हो गई हैं। ड्राई फ्रूट लगा दिया आपने। जी, अब इसको हम ओवन में रखने से पहले इस पे एग वॉश करेंगे। ठीक, एक अंडे को फेंट के उसको बस ऊपर ब्रश से लगा लें, या कोई भी चीज आपके पास हो उससे लगा लें। मेरे पास इस वक्त ब्रश नहीं है। हाँ, तो मैं इसको जो है ये फेंट के मैंने रखा हुआ था अंडा। हाँ, इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ब्राउन सा शेड आ जाता है। जी, ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाता है, शाइनी कलर आ जाता है इस पे। ठीक है, इस तरह अंडा एक फेंट के और ऊपर से लगाना है। ठीक है, अच्छा, ब्रश से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा एक टेक्सचर आ जाएगा। पेपर ब्रश अभी है नहीं। ठीक है, तो मैं इसलिए इसी से इसको कर रही। ठीक है, मथा का एक अदद बेदो लास्ट में फेटे वो लगाएंगा। और ये कुकीज़ बना के भी लाई हुई हैं सेम यही वाले। ठीक है, क्योंकि अब टाइम हमारा बिल्कुल एंड पे जा रहा है, ये बेकिंग पे जाएंगे। 20 मिनट रखते हैं ना, 20 मिनट इतना टाइम नहीं है, तो पहले से बनाए हुए इन्होंने घर से बना के लाई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में। तो ये वही सेम कुकीज़ बन रहा है, जो भी बेक हो जाएंगे सेम यही कलर आएगा। ठीक, इसे मैं ओवन में लगा रहा हूँ, ये आप दिखा दें बिस्किट्स। ये चले गए बेक पे। जी, सेम वही है, बस आपने ऊपर से स्प्रिंकल्स डालने हैं। आप इस पे साइड्स में इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें ये ऊपर चीज़ें नहीं डाल रहे, ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे, आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं। उसको आप चॉकलेट में हाफ डिप कर लें, उससे स्प्रिंकल्स डाल दें ऊपर, तो वो हाफ चॉकलेट हो जाएगा आपका, हाफ जो है वो प्लेन चॉकलेट को मेल्ट। डेकोरेशन जिस टाइप की भी डेकोरेशन आप चाहें कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। ठीक है, ठीक है सबीन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आप आई, इतनी सारी वैरायटी आपने सिखाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी आप बुलाएंगे, इंशाल्लाह कोई बेकिंग में नया आइटम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि ये सिन टीवी ने बहुत अच्छा मौका दिया हमें यहाँ पे बुला के, और इंशाल्लाह आगे भी हम इनके साथ ज़रूर आएंगे, दोबारा ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं इसे रखता हूँ टेबल पे। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा। ठीक है, कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको सारी प्रीवियस वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल नई रेसिपी होगी, मज़ेदार रेसिपी होगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। कल भी गेस्ट हमारे साथ है, पूरा वीक रखा हुआ है, तो मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ समझो पेज हो, तो रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो, सुभाणे मज़ेदार रेसिपी ठहंदी, उहा छा आहे उहो बि सरप्राइज़ आहे, गेस्ट असां सां गॾु आहिनि। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल, इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी। अला हाफ़िज़।
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।